नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं वास्तु की कुछ चीजें हैं जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है, यानी के छोटे छोटे दोष है वो दोष नजरअंदाज न करें, क्योंकि अगर आप ये नजरअंदाज करोगे तो आपको इससे बहुत नुकसान होगा। छोटे है लेकिन क्या है ये हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के एंड में नीचे जो लाइक बटन है उसको प्रेस करना प्लीज मत भूलिएगा। देखते हैं मुख्य दिशाएं, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। ये घर की मुख्य दिशाएं हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर अगर वास्तु संबंधित कोई दोष है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आने लगती है। इसलिए वास्तु में कुछ उपाय और कुछ सावधानियां भी बताई गई है, जिसे ध्यान से देखने पर या फिर गौर करने पर और उसको इंप्लीमेंट करने पर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा जरूर बढ़ने लगती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी हम अनदेखी कर देते हैं, लेकिन ये अनदेखी बाद में फ्यूचर में जाकर हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। ऐसी क्या चीजें हैं कि जो हम वास्तु में नजरअंदाज ना करें। ध्यान में रखना है कि घर में बहुत बार ऐसा होता है, अभी जैसा हम जानते हैं घर का जो मेन स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट है पूजा रूम, साउथ वेस्ट है बेडरूम, नॉर्थ वेस्ट बच्चों को दिया है और साउथ ईस्ट है किचन। इस प्रकार से रूम है तो आपको जरूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इस प्रकार से रूम है लेकिन आपके घर में आपने फर्नीचर वगैरह किया है नहीं है जो भी है, लेकिन हर कोने में हमेशा गंदगी रहती है, मकड़ी का जाल रहता है, कभी भी साफ नहीं रहता है। ये जो मकड़ी का जाल है ये बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। बहुत बार ऐसा देखा है मैंने, वास्तु परीक्षण करते वक्त लोगों ने बहुत अच्छे से वास्तु फॉलो करने का ट्राई किया है घर में, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि समझो यहाँ पर पूजा घर रख दिया है, यही पे कबड़ बना दिया है पूजा का सामान रखने के लिए। एक तो ये हेवी हो गया, ऊपर से इस कबड़ में इतनी छोटी छोटी चीजें रख दी है, तेल का डिब्बा ये वो सब रखी आप, लेकिन उसकी वजह से इतना कचरा जमा हो गया है, ऊपर से मकड़ी के जाल इस फर्नीचर के वजह से पूरे यहाँ पर कोने में मकड़ी के जाल हो चुके हैं। ये बहुत ज्यादा गंदगी थी, उनको जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे थे तो उनको ये शिफ्ट करने को लगाया यहाँ से, उनको बहुत अच्छी राहत मिली है। दोस्तों, ये जो मकड़ी के जाल होते हैं ये बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। ये जिस किसी भी एनर्जी जोन में मकड़ी के जाल क्रिएट होते हैं उस जोन का इम्पैक्ट या पॉजिटिविटी वो कम करते हैं। इसलिए ध्यान में रखना है कि मकड़ी का जाल जो है वो घर में किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए। साफ सफाई हमेशा तो पॉसिबल नहीं है, काम पे जाते हैं, फ्री नहीं है, टाइम नहीं है, इट्स ओके, लेकिन एक दिन आपको निकालना है महीने भर में, या फिर या तो अमावस्या के दिन या फिर शनिवार के दिन, इन दोनों में से किसी एक दिन आप घर की साफ सफाई कीजिए। बाकी कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बाकी के दिन करना ही नहीं है, लेकिन आपको अगर पॉसिबल है तो अमावस्या या शनिवार के दिन आप अगर घर की साफ सफाई करते हो, घर का कबाड़ जो भी है वो निकाल कर बाहर फेंकते हो तो वो बहुत अच्छा होता है। उस दिन ये चीजें घर के बाहर निकालना या घर की साफ सफाई करना, इसलिए मैंने ये दो दिन कहे। बाकी के दिन भी आप कर सकते हो, ट्राई टू अवॉइड थर्सडे, गुरुवार के दिन अवॉइड करना ट्राई कीजिए। घर में कभी भी टूटा हुआ कांच का सामान नहीं होना चाहिए। जहां भी दर्पण या कोई टूटा शीशा हो तो उसे फौरन बाहर फेंक दे, ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार स्थान बन जाता है, यानी इमिट करना चालू करता है निगेटिव एनर्जी। अभी टूटा हुआ शीशा बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं, सर हम जो मिरर लेते हैं वो भी तो कट करके ही देते हैं। दोस्तों, मिरर फ्रेम में प्रॉपरली कट करके लगाना अलग बात है, और वो फ्रेम में लगाने के बाद उसको अगर कुछ क्रैक जाता है
इस प्रकार से कट होना अलग बात है। तो टूटा हुआ शीशा अगर है तो उसे घर में नहीं रखना है। आपके विंडो का कोई ग्लास है टूट गया है, आपके कबर्ड का मिरर है टूट गया है, या कांच का ग्लास है उसको क्रैक गया है, ऐसे चीजें आपको घर में नहीं रखना है। कांच की टूटी हुई चीजें, कांच की टूटी हुई चीजें जो है, कांच बहुत ही जबरदस्त एनर्जी इमिट करता है, मिरर जो है वो बहुत जबरदस्त एनर्जी इमिट करता है। इसलिए मेन एंट्रेंस के सामने कभी भी मिरर नहीं लगाना है। मेन एंट्रेंस अगर समझिए ये है तो यहाँ पर मिरर नहीं लगाना है इस वॉल पे, ये घर में आने वाले पॉजिटिव एनर्जी भी वापस निकाल देगा। इसलिए कब लगाना है, कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, ये भी बहुत महत्व रखता है। तो साउथ वेस्ट में अगर आपने कबर्ड रखा है तो उस कबर्ड को मिरर जो है वो आप कवर कर दीजिए, उसको पेपर लगा के बंद कर दीजिए, या उसको आप कर्टन लगा दीजिए, पर्दा यूज में नहीं है तो कर्टन से उसको बंद कर दीजिए। इस प्रकार की चीजें हैं। वैसे ही घर में टूटा हुआ कांच नहीं रखना है। टूटा हुआ कांच, आपका वॉल क्लॉक है उसका कांच टूटा है, आपका रिस्ट वॉच है उसका कांच टूटा है, कुछ भी है, मिरर है, कुछ भी टूटा हुआ कांच आपको घर में नहीं रखना है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको सबसे पहले आपको निकालकर बाहर फेंकना है, घर में नहीं रखना है। या फिर फेंक नहीं सकते हैं, महंगी चीज है, यूज करना है तो उसको ठीक करके लाइए, वैसा टूटा हुआ उसको घर में मत रखिए। घर में चमगादड़ का प्रवेश होना अशुभ माना गया है। ये चमगादड़ का आना मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आपके घर के आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ है, उस पे चमगादड़ अगर है तो वो शाम के टाइम में या कभी भी एक बार खिड़की पे आके बैठते हैं या घर में लाफ के नीचे आके बैठते हैं, ऐसा बहुत जगह पे होता है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ है। तो इस कंडीशन में आप आपके विंडो को एक नेट लगा दीजिए ताकि वो अंदर ना आ पाए, और डोर तो नॉर्मली बंद ही रहते हैं तो आप वहां पर नेट लगा दीजिए ताकि वो अंदर ना, क्योंकि वो जो है वो एक सूनेपन का एक प्रतीक है, उसको मानते हैं, इसलिए घर में आना अच्छी बात नहीं है। घर के कोनों में दरारें और सीलन नहीं होनी चाहिए। घर में जहां भी दरारें हो उसके मरम्मत करवाए। दरारों का होना धन के लिए अशुभ माना गया है। बहुत बार क्या होता है कि फ्लैट होता है, फ्लैट सिस्टम अपार्टमेंट में ऊपर के किसी का लीकेज होता है टॉयलेट का, समझिए यहाँ पर इस फ्लैट में यहाँ पे टॉयलेट है, ऊपर वाले का लीकेज है तो यहाँ पर ये दीवार पूरी फूल गई है उस लीकेज की वजह से, तो ये जो एनर्जी जोन है ये आपको बहुत बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी देगा। अगर दीवार आपके जो है उसमें दरारें है या वो उसमें पानी ये हो गया है, पानी गया है पूरी दीवार में, इस ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले वो रिपेयर करना है लीकेज। अगर आपका रेंटेड हाउस है, आपके लैंडलॉर्ड को आप बोल दीजिए, आपका खुद का हाउस है तो आप सबसे पहले ये फिक्स कीजिए, चाहे खर्चा कितना भी हो इसको आप रिपेयर कीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, ये बिल्डिंग के लिए भी अच्छा नहीं है। बिल्डिंग में लीकेज आना मतलब बिल्डिंग को कैंसर होना कहते हैं। एक बार लीकेज आ गया तो उसको निकालना, उसको रिपेयर करना, या उससे जो नुकसान होगा, जो स्टील होता है दीवार में पिलर में, ये वेटनेस की वजह से वो पूरा सड़ जाता है। इसलिए सबसे पहले अगर ऐसा कुछ है, दीवार में पानी हो गया है, तो उसको आपको निकालना है, रखना नहीं है। वास्तु में अगर आपका कोई भी नल है, बेसिन का है, किचन में सिंक का है, टॉयलेट बाथरूम किधर का भी नल टैप जो है, उसमें से पानी अगर टपकता है तो उसको रिपेयर कर दीजिए। वैसा होना अच्छा नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि वैसा होने से पैसा टिकता नहीं है। दूसरी चीज ये भी है दोस्तों, आजकल पानी भी बहुत कम है तो पानी वेस्ट मत कीजिए। अगर पानी टपक रहा है तो तुरंत नल ठीक करवा लीजिए। दूसरा ये है कि आपके छत पर कभी भी कबाड़ नहीं रखना है। क्या होता है कि लोग खराब हो गई चीजें किधर डाल दो छत पे, पुराने कपड़े डाल दो छत पे, कुछ एक्स्ट्रा का सामान पड़ा हुआ है, कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चेंज किए पुराने वाले डाल दो छत पे, तो वो छत पे बहुत ज्यादा कबाड़ जमा होता है और वो बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी क्रिएट होता है। हमारे घर में जो एनर्जी आती है वो ब्रह्म स्थान से घर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर घर का आपका ऊपर का हिस्सा पूरा गंदा है तो वो प्रॉपर एनर्जी फ्लो भी नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी भी घर में रहेगी। इसलिए घर में कबाड़ छत के ऊपर जमा करना,
लेफ्ट के ऊपर जमा करना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। लोग क्या करते हैं, फर्नीचर के जो लेफ्ट के डोर है वो बना देते हैं, लेफ्ट को डोर बनाते हैं, उसमें पूरा कबाड़ भर देते हैं। लेफ्ट बना तो दो तीन इधर इधर ऐसा बना के उसको डोर लगा के उसमें पूरा कबाड़ डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो वेस्टेज है उसको निकाल दीजिए, जो आपको कभी काम में आने वाले हैं उतना ही रखिए, बाकी मत रखिए। तो दोस्तों ये बहुत छोटी चीजें हैं, उसको आप गलती से भी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। आपका वास्तु वास्तु के अनुसार होकर भी ये आपको निगेटिव एनर्जी दे सकती है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको प्लीज प्रेस कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।